Hi everyone, my name is Rohit Garcha. Welcome to Abhimanyu IAS. This is a platform from where you can prepare for UPSC and various PCS examination. Abhimanyu IAS has given more than 2200 results since 1999. आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखो पेंडेमिक के बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं. We are getting more prepared for upcoming pandemics क्योंकि एक नया एरेना खुल गया है. इस पर्टिकुलर जनरेशन ने कोई भी पेंडेमिक देखा ही नहीं था फर्स्ट हैंड. जो भी हुआ था वो एंडेमिक था, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में फिक्स था कि यार ओके इबोला यहाँ फैल रहा है, ये चीज़ यहाँ हो रहा है, ये वहाँ जा रहा है. इसने पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले लिया था. तो ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि हाउ अभी G20 की जो मीटिंग कंक्लूड हुई थी उसके बाद में एक नया फंड बनाया गया है, FIF कहते हैं उसको, देखते हैं उसके बारे में. एंड दिस इज टू द पॉइंट, एक ऐसी सीरीज जहां पे हम प्रीलिम्स के हिसाब से करंट अफेयर को क्यूरेट करते हैं. एंड वंस अ टॉपिक इज डन ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन कंसीडर इट डन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स. एंड इफ यू वांट टू कवर करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेंस, सो देयर इज दिस कोर्स रनिंग विच इज रन बाय मी ओनली, बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म. यू गेट अ 7-day फ्री ट्रायल एज वेल. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट. मूविंग ऑन, फंड क्या चीज है वो? अ न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड FIF फॉर वॉट? पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स. इस स्ट्रेटेजी को PPR स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है. अदरवाइज भी ये आप जब मेन्स वगैरह लिख रहे हो तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो. जब हमने क्लास में इसको पढ़ा था तो हमने डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा करी थी कि PPR का क्या मतलब होता है, इसको और कहां कहां यूज किया जा सकता है. बट दिस इज टू द पॉइंट. टू द पॉइंट बात करते हैं कि प्री में कैसे होगा. Was officially created. ठीक है, देखिए जी, purpose क्या है इसका? To provide additional long-term financing to strengthen pandemic prevention, prepared PPR again in low and middle income countries. ये सारे key points हैं इसमें. And address critical gaps at the national, regional and global level. Critical gaps को आप ऐसे समझिए, कि example समझने की कोशिश करते हैं कि vaccine अवेलेबिलिटी के अंदर देर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्पैरिटी. इवन जब भूटान की सेकेंड डोज जानी थी, आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर अपनी वैक्सीन शुरू हो गई थी एंड भूटान वॉज लुकिंग हेयर एंड देर कि यार सेकेंड डोज को कैसे कंप्लीट करना है. सो वो वाले गैप्स की यहाँ पे बात हो रही है कि एक अलग से फंड होगा और एक अलग से एक माइंड सेट होगा, एक PPR होगा हमारे पास, PPR मॉडल होगा. तो इट विल बी ईजियर, है ना, इट विल बी मोर इकोनॉमिकल, इट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड एफिशियंट वे टू डील विद इट. एंड इफ यू कैन सी दैट पिक्चर, इससे एक और चीज क्लियर होगी आपको कि G20 का जो 2022 में था वो कहाँ हुआ था. इट वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया. ये ऐसी पिक्चर्स थोड़ी देख लिया करो, ईजी रहता है मेमरी के लिए, थोड़ा आसान रहता है. एंड G20 की 2023 की मीटिंग इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया. अगेन ये भी एक सवाल है, मतलब जनरल आप याद रखने के लिए. चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यहां पे आता है, ट्रस्टी एंड होस्ट कौन है इसका. वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज ट्रस्टी एंड होस्ट द सेक्रेटेरिएट ऑफ द फंड विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत डायरेक्ट सा, मतलब बहुत सिंपल सा है, कुछ याद रखने वाली जरूरत नहीं है. मतलब यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि यार G20 ने किया है और वर्ल्ड बैंक है ना, तो बस ये याद रखना है, इसको फैक्चुअल तरीके से याद रखो कि वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज ट्रस्टी. The fund was developed with broad support from members of the G20 and beyond. G20 सिर्फ G20 का नहीं है. यहाँ पे आपका सवाल जो है वो prelims में जो घूमेगा वो by G20 नहीं है सिर्फ, मतलब अगर यहाँ पे only लिखा हो कहीं पे कि by only the G20 countries, नहीं, and beyond, more countries were there. For instance, 1.4 billion in financial assistance have already been announced by countries like Australia, Canada, China, यूरोपियन कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया अमंग अदर्स. चलिए आगे चलते हैं. एरियाज कौन से हैं इसके, कि फाइनेंसिस फ्रॉम द फंड विल गो टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग PPR कैपेसिटी, प्रिपेयर्डनेस वगैरह वाली, इन एरियाज सच एज जूनोटिक डिजीज, सर्वेलेंस, लेबोरेटरीज, एमरजेंसी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटीज एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. बेसिकली एनीथिंग दैट गोज इन टू द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज जो ऐसे वायरल होकर फैल जाती है ना, जैसे इंस्टाग्राम रील्स वायरल होती है ना, वैसे ही वाली डिजीज वायरल होकर फैल जाती है. सो उन सबको इसमें कवर कर दिया है, तो होना भी चाहिए.
अगर हम एक ब्रॉड फंड बना रहे हैं, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर थिंग. तो ये बहुत ब्रॉड एरेना है कि कहां कहां पे इसको यूज किया जाएगा. एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि इस पर्टिकुलर एक टेक्निकल टॉपिक है, ये एक फंड है, एक वो मैनेज बन रहा है, तो क्या क्वेश्चन उसे बनता है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट. आई विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन. सेलेक्ट दी, सबसे पहले तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट लिखा है. तो ये बहुत उलझाने वाली चीज रहती है व्हेन यू आर डूइंग 100 क्वेश्चंस और उसमें करेक्ट इनकरेक्ट कुछ ऐसा आता रहता है. तो एट वन पॉइंट योर ब्रेन इग्नोर्स और एज्यूम्स क्या लिखा हुआ है. तो ध्यान से रखना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FIF और ये फॉर PPR. ठीक है, नंबर वन इज वर्ल्ड बैंक विल सर्व एज अ ट्रस्टी एंड होस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द फंड. सेकंड इज टेक्निकल सपोर्ट विल बी फ्रॉम WHO. अभी हमने अभी किया है तो वैसे अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी क्वेश्चन. ये बहुत टेक्निकल बात है, इसमें हिडन बात है. हाउएवर अभी इसका आंसर सी बनेगा, बोथ का है, बट दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन. राइट नाउ वी आर स्टडिंग इट, दैट इज वाई इट इज ईजी, बट आर ब्रेन फूल्स अस वेन वी रीड दिस. आर ब्रेन फूल्स अस कि हमें पता है इसके बारे में, बट थोड़े टाइम बाद उसको अटेम्प्ट करोगे तो दिमाग से निकल जाता है कि वर्ल्ड बैंक था, IMF था, SCO था, क्या था, वी आर नॉट एबल टू रिकॉल. सो इसमें इतना है. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन. माई नेम इज रोहित गर्चा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. दिस इज अभिमन्यु IAS.